हेलो एवरीवन, आई एम साक्षी राजपूत एंड स्वागत है आप सभी का बीएसपी फार्मेसी पे। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आप ग्रामीण क्षेत्र में अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में आते होंगे कि क्या फार्मेसी करने के बाद आप अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं। तो हाँ, आप खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं, लेकिन उसका प्रोसीजर बिल्कुल अलग है किस तरीके से खोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ओनली फार्मा करने के बाद आप अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं। ये लीगल है या नहीं, ये आगे जाके इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। क्या लीगल प्रोसीजर है खुद का क्लिनिक खोलने का, ये भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होने वाला है आपके लिए, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस के ऊपर, कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर मेनली आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, गांव का डॉक्टर कैसे बने। सबसे पहला जो हमारा आज का क्वेश्चन होगा, जो मेन टॉपिक है, वो है गांव के डॉक्टर कैसे बने। राइट, गांव में जो जनसेवा केंद्र वगैरह होते हैं वो आप कैसे खोल सकते हैं, जनसेवा केंद्र कैसे खोला जाता है, क्या है प्रोसीजर। उसके बाद फार्मा क्लिनिक कैसे खोल सकते हैं, फार्मा करने के बाद आप अपना खुद का क्लिनिक कैसे खोल सकते हैं, इसका क्या प्रोसीजर है। ठीक है, क्या फार्मा क्लिनिक के नाम से कोई ऐसी चीज है कि फार्मा क्लिनिक आप अपना खुद का खोल सकते हैं। मेनली सारे क्वेश्चंस के आंसर आज आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। CMSED के लिए मैंने पहले वीडियो बनाया था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो होता है कि आप किस तरीके से खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं, वो भी कुछ एलोपैथिक मेडिसिन के साथ। ठीक है, वो मैंने वीडियो बनाया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको। फार्मासिस्ट कैन नॉट ओपन क्लिनिक टू डायग्नोस डिसीज एंड प्रिस्क्राइब मेडिसिन, क्लियरिफाइज PCI। तो जो फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया है, 2015 में उसने क्लियरिफाई कर दिया था, क्योंकि बहुत सारी अफवाहें आ रही थी 2015 के समथिंग कि फार्मासिस्ट अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं। तो PCI ने पूरी तरीके से ये क्लियरिफाई कर दिया था कि एक फार्मासिस्ट जो है वो खुद का क्लिनिक नहीं खोल सकता है। तो पहली चीज जो है क्लियर करने वाली, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था, तो पहले मैंने आपके लिए यही चीज क्लियर कर दी कि फार्मेसी डी फार्मा या बी फार्मा करने के बाद आप खुद का क्लिनिक नहीं खोल सकते हैं, आप प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिख सकते हैं, आप मेडिसिन बता नहीं सकते हैं, पेशेंट को प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, आप इंजेक्शन नहीं लगा सकते हैं, तो ये सारे काम आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मेडिकेशन आप नहीं दे सकते हैं और डिसीज को आप डायग्नोज भी नहीं कर सकते हैं। राइट, इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, क्लेरिफाइंग द डाउट ऑन फार्मासिस्ट कैन ओपन फार्मा क्लिनिक टू ट्रीट कॉमन डिसीज एंड प्रिस्क्राइब मेडिसिन। ये क्लियर, मतलब ये क्लियर है कि एक फार्मासिस्ट जो है वो अपना खुद का क्लिनिक नहीं खोल सकता है। ठीक है, ये बहुत बड़ा डाउट रहता है कि क्या एक फार्मासिस्ट अपना खुद का क्लिनिक खोल सकता है, कॉमन डिसीज को ट्रीट कर सकता है, प्रिस्क्राइब कर सकता है मेडिसिन। फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया ने रिसेंटली 2015 में ये नोटिफाई किया था, नोटिस दिया था, नोटिफाइड दैट द फार्मासिस्ट कैन नॉट ओपन क्लिनिक, एक फार्मासिस्ट जो ओपन नहीं कर सकता है क्लिनिक, टू डायग्नोज द डिसीज, जो कि डिसीज को डायग्नोज करे एंड प्रिस्क्राइब द मेडिसिन, और ना ही एक फार्मासिस्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकता है। तो ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, अब किस तरीके से क्लिनिक खोला जा सकता है। ठीक है, मेन चीज ये हो गई कि हाँ, ये लीगल नहीं है कि आप फार्मा करने के बाद क्लिनिक खोले, लेकिन लीगल क्या है, वो प्रोसीजर क्या है, तो वो सोच देखिए। CCCH, जिसे बोलते हैं सर्टिफिकेट कोर्स इन कॉम्युनिटी हेल्थ। ठीक है, सर्टिफिकेट कोर्स इन कॉम्युनिटी हेल्थ क्या होती है ये चीज, वो देख लेते हैं। मेडिसिन क्या आप इसमें प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, इसमें कुछ कोड होते हैं। ठीक है, इस कोर्स के जो है कोड होते हैं, तो फर्स्ट होता है आपका 449, जिसमें आता है बेसिक लाइफ साइंस। ठीक है, उसके बाद 450, जिसमें आता है मैटरनल एंड चाइल्ड केयर। उसके बाद आता है 451, जिसमें आता है प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ डिसीज। ठीक है, इन तीनों में से, ये कोड है अलग अलग, इन तीनों में से आप कोई भी कर सकते हैं। ड्यूरेशन होती है एक साल। ठीक है, साल में दो बार आप एडमिशन ले सकते हैं, दो मतलब सेशन होते हैं इसके, दोनों में आप एडमिशन ले सकते हैं, और ड्यूरेशन होता है एक साल। कैसे समझ में आ जाएंगी आपको सारी चीजें। उसके बाद कंडक्ट किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा ये कोर्स करवाया जाता है, NIOS, मींस NIOS के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, ऑटोनोमस डिवीजन ऑफ MHRD। MHRD का मतलब होता है मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। राइट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये कंडक्ट करवाया जाता है CCCH, जो ये कोर्स है, CCCH भी इसे बोलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे एंट्री क्वालिफिकेशन, इसमें एंट्री लेने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए पड़ती है वो देख लेते हैं। 10th क्लास पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बेस, 10th क्लास पास होना चाहिए बंदा, या मीडियम, किसी भी मीडियम से हो, हिंदी से हो या इंग्लिश से हो चलेगा। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, कोर्स का ड्यूरेशन कितना होता है, एक साल।
फोकस होता है. नोट, देयर आर नो प्रोविजन ऑफ बैक डेट एडमिशन. ना तो इसमें कोई बैक डेट एडमिशन होगा, ठीक है. जो डेट फिक्स कर दी है, जो डेट फिक्स है उसी डेट में आपका एडमिशन होगा, और कोई भी लेट अमाउंट फीस से भी एडमिशन नहीं होगा. उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें फर्स्ट सेशन में क्या होता है, देखिए सेशन फर्स्ट में, सेशन फर्स्ट इसके दो सेशन होते हैं. सेशन फर्स्ट में आप कब एडमिशन ले सकते हैं, जून टू मई, ठीक है. ये कब तक चलता है, जून से मई तक चलता है. एवरी ईयर लास्ट डेट ऑफ सबमिशन इज 31 मई. हर साल आप 31 मई तक इसके लिए मतलब अप्लाई कर सकते हैं, इसमें एडमिशन ले सकते हैं. एग्जाम ऑन वन ईयर, कंप्लीशन इन नेक्स्ट ईयर मई. और इसमें एग्जाम कब होते हैं, इसके अगले साल मई में इसके एग्जाम कंप्लीट हो जाते हैं और आपको ये मिल जाता है, ठीक है, जो डिप्लोमा है वो मिल जाता है. उसके बाद सेकंड सेशन में क्या होता है, दिसंबर टू नवंबर. ये कब से कब तक चलता है, दिसंबर से नवंबर तक ये सेशन चलता है. मतलब साल में आपको दो अपॉर्चुनिटी मिलेगी इसमें एडमिशन लेने की, या तो आप मई में ले लीजिए या फिर आप दिसंबर में ले लीजिए, कोई इशू नहीं है. एवरी ईयर लास्ट डेट ऑफ सबमिशन इज 30 नवंबर. हर साल इसकी जो लास्ट डेट रहती है सबमिशन की, एडमिशन लेने की, वो 30 नवंबर तक रहती है. सेशन टू एग्जाम ऑन वन ईयर कंप्लीशन. पूरे सेशन में दो बार एग्जाम होते हैं और एक साल में ये कंप्लीट हो जाता है, इन नेक्स्ट ईयर नवंबर. अगले साल नवंबर में ये कंप्लीट हो जाएगा. जैसे कि आपने इस साल नवंबर में एडमिशन लिया और अगले साल नवंबर में आपका जो ये सीसीएच है, ये कोर्स है, ये डिप्लोमा है, ये कंप्लीट हो जाएगा. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेनली आ जाता है स्टडी मटेरियल. अब स्टडी मटेरियल क्या होता है, इसके अंदर स्टडी मटेरियल जो भी इसके अंदर प्रोवाइड होता है, जो भी आप कोर्स सेलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग सेंटर आपको प्रोवाइड करवाता है. एज क्या होती है, एज एनी पर्सन अबाउट 18 ईयर. कोई भी पर्सन 18 साल से जो ऊपर हो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है, एडमिशन ले सकता है. एडमिशन बेसिस, आप किस बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं, प्योरली ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वे बेसिस. नो एंट्रेंस टेस्ट, नो मेरिट बेसिस, नो डोनेशन बेसिस. पहली बार अगर आप इसमें एडमिशन ले रहे हैं इजीली ले सकते हैं. उसके बाद इसमें कोई एंट्रेंस टेस्ट भी नहीं होता है, कोई मेरिट के बेसिस पे भी एडमिशन नहीं होता है, कोई भी डोनेशन बेसिस भी, कोई भी डोनेशन चार्ज वगैरह भी इसमें नहीं होता है. उसके बाद टोटल सीट कितनी होती है, टोटल 100 सीट अवेलेबल होती है. जिस भी सेंटर से आप कर रहे हैं वहां पे ज्यादा से ज्यादा 100 सीट अवेलेबल होती है. उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट वन जो है, डॉक्यूमेंट्स टू अटैच. अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की इसमें जरूरत पड़ती है, सेल्फ अटैच जीरोक्स ऑफ 10th 12th मार्कशीट. अगर आप सिर्फ 10th पास है तो 10th की मार्कशीट आप अटैच कीजिए. हैविंग डिटेल्स ऑन योर डेट ऑफ बर्थ, साथ ही साथ उसमें डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन हो जिससे कि डेट ऑफ बर्थ का पता चले. उसके बाद सेकंड है सेल्फ अटैच जीरोक्स ऑफ एड्रेस प्रूफ. उसके बाद आपको एड्रेस प्रूफ देना है, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया और बीएसएनएल का टेलीफोन बिल हो गया. ये सारी चीजें आप दे सकते हैं, लगा सकते हैं एज अ आईडी प्रूफ. उसके बाद है नेक्स्ट एप्लीकेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ. अब जो एप्लीकेंट है उसकी कम से कम 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अटैच. ओके, उसके बाद अगर हम बात करें तो स्कोप ऑफ सीसीएच. अब इस सीसीएच करने का स्कोप क्या है, ठीक है, मेन चीज होती है स्कोप. कैन अप्लाई इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट. सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में इसकी वैकेंसीज निकलती है. जॉब्स फॉर द पोस्ट कम्युनिटी हेल्थ वर्कर. एज आ पोस्ट कम्युनिटी हेल्थ वर्कर आप काम कर सकते हैं अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, ठीक है. कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के बहुत सारी वैकेंसीज निकलती है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं. एलिजिबिलिटी सब्जेक्टेड टू द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी. और जो इसमें एलिजिबिलिटी चाहिए होती है वो जो आपका स्टेट गवर्नमेंट ने जो जॉब निकाली है उनकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है. उसके बाद कैन वर्क इन कम्युनिटी हेल्थ केयर. आप कम्युनिटी हेल्थ केयर में काम कर सकते हैं, साथ ही साथ आप अपना खुद का जन सेवा केंद्र भी खोल सकते हैं. नॉर्मल ग्रामीण क्षेत्र में आप क्लिनिक के नाम से नहीं, जन सेवा केंद्र के नाम से अपना खुद का बोल सकते हैं क्लिनिक खोल सकते हैं, छोटा सा अपना जन सेवा केंद्र खोल सकते हैं जिसमें आप कुछ एलोपैथिक मेडिसिन के साथ ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है. अब कौन कौन सी ड्रग्स इसमें यूज होती है, कौन कौन सी मेडिसिन के साथ आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वो अगर आपका नीड आती है तो मैं उसके लिए भी वीडियो जरूर बनाऊंगी. होप सो जो क्वेरीज थी सब क्लियर हो गई होंगी, किस तरीके से आप अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं. और मेन चीज जो मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप फार्मा कर लेते हैं, ठीक है, फार्मा करने के बाद, ऐसा नहीं है कि फार्मा करने के बाद आपने सोचा कि क्लिनिक नहीं खोल सकते तो हमारा पूरा साल खराब हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं. क्योंकि फार्मा करने के बाद आप एक बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं जिसे बोलते हैं मेडिकल.
ठीक है, आप खुद का अपना मेडिकल स्टोर डाल सकते हैं, मेडिकल स्टोर आप डाल सकते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी डाल सकते हैं, और मेडिकल स्टोर तो आप डाल ही सकते हैं बिल्कुल लीगली। तो आप अपना मेडिकल स्टोर डालिए, साथ ही साथ आप एक साल का तो कोर्स है कुल CCH, आप ये कर लीजिए साइड में, ये कर लीजिए। दो बार एग्जाम देने जाना है, और ऐसा भी नहीं कोई एंट्रेंस एग्जाम है, कोई डोनेशन आपको देनी है। नॉर्मली बहुत कम पैसों में, लगभग 20,000 के समथिंग, 20 से 25,000 रुपए लगते हैं, और आपका ये कोर्स जो है वो हो जाएगा। तो एक साल के अंदर ये कर लीजिए, साथ ही साथ आप अपना खुद का क्लिनिक डाल लीजिए। तो आपका क्या होगा, दोनों चीजें आपकी एक साथ जब कंबाइन होकर चलेगी, तो आप इतना ज्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा इनकम आप जनरेट कर सकते हैं, और बिल्कुल लीगली कर सकते हैं। कोई आपको इस पे ऑब्जेक्शन नहीं होगा, कोई आपके लिए इस पे ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। तो ये हो गया पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन, किस तरीके से आप अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं, कैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं, और कैसे आप अपना बिजनेस को बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं वो भी जरूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारी एप्लीकेशन BSP फार्मेसी पे आपको मिल जाएंगे कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स, कंप्यूटराइज नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, सारा स्टडी मटेरियल फार्मा का आपको हमारी एप्लीकेशन BSP फार्मेसी पे मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।